बात सुनो भावज, ये आफरीन ऊपर बुलाने गई थी, ऊपर रहने गई थी। वो पापा, दरअसल शैला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो अभी थोड़ी देर पहले गोली खा के लेटी है। अरे रहने भी दो भावज, ये सब नई नवेली दुल्हनों के ड्रामेबाजियां हैं। इतने से दर्द को इतना बड़ा करके बताती ताकि सबकी तवज्जो बटोरे, क्यों भैया जी? भाई वो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो ड्रामा श्रामा क्यों करेगी? अच्छा भैया जी, आप कहते हैं तो माने लेते हैं, नहीं तो हमने तो वलीमे में ही चेहरा देख लिया था। इंतहाई तेज तर्रार लड़की, तेज तर्रार। अच्छा भैया, अल्लाह सब की बच्चियों को आबाद रखे, शाद रखे। अरे तमकीन को देख के मेरा तो कलेजा मुंह को आता है, कलेजा अपनी जबान के वजह से कैसे दर बदर हो गई। अरे भतीजी, है तुम्हारी जो हो गया उसके लिए तमकीन को बार बार बुला भरा तुम क्यों कहती हो? भैया जी ठीक तो कह रहे हैं भतीजी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। हैं, उनका रिश्ता, दिल दुखता उसको देख के, इसीलिए बोल देती हूँ। वो भाभी आराम कर रही है पप्पू। कुछ तो गड़बड़ है गुड्डी। भावज, अरे अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? मैं देख के आती हूँ कि सर्वर में बाकी तो दर्द नहीं हो गया है। नहीं आपा, आप फिर कभी मिल लीजिएगा, अभी तो वो जरा। कैसी बातें कर रही हूँ भावज, बच्ची कहेगी फुप्पी आई और आके दो सीढ़ी चढ़ के मुझे मिलने भी नहीं आई। चल भाई आपरी लेके चल, हाथ पकड़ के मेरा, कहाँ गई चप्पल मेरी? चल भैया जी मैं आई जरा, अपनी बहू से मैं खुद मिल के आती हूँ, ऐसी कौन सी बात हो गई? ये गुलाबी वाली चप्पल, ये देख के जाना, सीढ़ियाँ बहुत है, और जरा आप लल्लो काबू में रखना, बहुत चल रही है आज। कितना अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ये कर। एक सेकंड, नहीं कुछ खास नहीं है शाला। अच्छा तो है इतना। अच्छा ये देखो अजहर, अरे बहू चल लूंगी ना मैं खुद ही, जा रही हूँ मैं। अजहर बहू, अरे कोई जवाब ही नहीं देता जैसे। हेलो भैया, भाभी जान ने तो मुझे कहा था कि बहू की तबीयत नहीं ठीक, मैं तो इतनी घबरा घबरा के ऊपर आई, यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। अरे छोड़े ना इन सारी बातों को, आए आए बैठे। बड़ी गर्मी है, ठंडा पिला जल्दी से। हाँ आप बैठे, मैं बना के तो बैठ रही हूँ, मैं बैठने के लिए आई हूँ। आए हाय, वाह वाह, कमरा तो बड़ा जबरदस्त कर लिया है दुल्हन ने, सेट कर लिया एकदम से जी। वाह वाह वाह, और आप ठीक हैं? उभार मैंने एक चीज देखी है, वो लगाई नहीं मशीन, कब ठंडी मशीन भी लगा लो। जी वो बस एक दो दिन में लगवा लेंगे पप्पू। पप्पू वो मैं नीचे जा रही हूँ, आप आ जाइएगा। हाँ तुम जाओ, बच्ची थोड़ी हूँ, कुछ सीढ़ियों पे गिर जाऊंगी, उंगली पकड़ के थोड़ी आई थी, तुम जाओ। ये सब बहुत ही अच्छा कमरा कर लिया, ये तुम लगी नहीं रहा उस घर का हिस्सा नीचे कबाड़ खाने का। लाओ भाई लाओ 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 लाओ, सीढ़ियाँ चढ़ के, ऐसा हाल खराब हो गया ऐसा। ए बहू, बावर्ची खाना बड़ी जल्दी अलग कर लिया तुमने, हैं? इतनी अच्छी हंडिया पकती भाभी जान किया, मजेदार उंगलियां चाटता रह जाए इंसान, नीचे खाओ नीचे पकाओ। अभी गैस नहीं आई, एक दो दिन में गैस आ जाए बावर्ची खाना पूरा ही अलग हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इतनी गर्मी में इतनी प्यारी सी जान हलकान करने की, वो है ना तमकीन, अरे उसके पास करने को और तो कुछ है नहीं, हंडिया ही पका ले, आराम से खाओ पियो, खेलने कूदने के दिन है। अब क्या बताएं पप्पू, उस तमकीन के चक्कर में तो किचन अलग किया है हमने। क्या कह रही बहू? ठीक है तो कह रही है, बल्कि अच्छा है ना वो तमकीन, आप ही हमारे लिए बार बार चाय बनाती रहती थी, उनको तकलीफ होती थी तो। बकवास ना कर, समझ आई है जर, सब जानती हूँ मैं, ये गज भर लंबी जबान है तमकीन की है, मेरी फूल सी बच्ची को सताती रहती होगी। अच्छा किया बहुत अच्छा किया, रैदा कर लिया, बल्कि मैं तो कहती हूँ फसादी लोगों से ना ये मील भर का फासला होना चाहिए, यूं होता है फसाद नहीं तो यूं यूं। जी पप्पू बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, फसादी लोगों से दूर ही रहना चाहिए। हाँ मैं भी यही कहती हूँ, मैं तो इतनी भोली भाली सी आदत है मेरी। अच्छा आप शरबत पिए, मैं खाना भी बना के लाती हूँ। अभी तो कह रही थी गैस नहीं आ रही। अब हाँ गैस तो नहीं है, लेकिन कुछ करती हूँ ना, लाती हूँ मैं कुछ। काफी अच्छा कमरा कर लिया इसने, बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं भैया। है
अब ये गुड्डी आपा है ना, फिर पूरे खानदान में मशहूर कर देंगी कि मजहर से देखी कि बहू ने आते ही अपना किचन अलग कर लिया। छोड़े अम्मा, आपके परेशान हो रही हैं, वो तो आती हैं इसलिए टो लेने के लिए। अल्लाह माफ रखे, तौबा अल्लाह, तौबा इस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह किसी को ये दिन ना दिखाए भावज। अरे तुम्हारी तो किस्मत वाकई में खराब है बिल्कुल है। अरे पहले बड़ा बेटा छोड़ के चला गया, फिर तमकीन को तलाक हो गई, अब ये लड़की आते ही बंटवारा कर दिया। अब समझ में आई तुम क्यों कतरा रही थी मुझे मिलवाने से? ऐसी बात नहीं है, बस कर दो। ये देखो ये देखो, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए और ना ही रंग लगाती हूँ। मैं तो पहले देखते ही भाग गई थी, तुम्हें कह के नहीं गई कि वलीमे के दिन ही मैं इस लड़की का चेहरा देख के भाग गई थी कि कैसी चलाक सूरत है, तर्रार है, एक नंबर की, आते ही बंटवारा कर दिया है। ये देखो। आपा, जैसा आप समझ रही है वैसे नहीं है। बावज, समझ कहां रही हूँ मैं, तो जो देख के आई हूँ वो खुदा लगती कह रही हूँ। और एक बात और सुन लो, हैं? ये सब मुझे पता भी है किसकी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर हमारी तमकीन शेर है तो आने वाली सवा शेर है, बल्कि ढाई शेर। अल्लाह रहम करे, तौबा तौबा तौबा, देखाई मैं, देखाई। भैया जी ये तो मुझे पूछेंगे नहीं चाय वाय को, आप ही कह के बच्ची से चाय बनवा दें, थक गई मैं ऊपर से नीचे आते आते तक। ओए हो, मुझे बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। एक बात बता देना अपने अब्बा को कि इज्जत सबकी होती है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं आजकल के लौंडे लपाड़ों की तरह दोस्तियाँ वोस्तियाँ नहीं करता हूँ जो टाइम पास करते, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बाप नहीं है ये, कसाई है। मेरी खुशी का जरा एहसास नहीं, बस अपनी जान छुड़ाने के लिए घटिया रिश्ते देख रहे हैं मेरे लिए। आप कितना गलत सोचती हैं अब्बा के बारे में, आपका अच्छा चाहते हैं। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो पक्की चमची, खुद तो बाहर जाके अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती और घर आते ही शराफत के ड्रामे, सब जानती हूं मैं। मीजनी नहीं हो तुम्हारी तरह, कितनी खुश थी मैं रशीद का साथ पाके, सालों बाद खूबसूरत प्यार का एहसास हुआ था मुझे, लेकिन तुम सबको क्या मुफ्त की मुलाजमा मिली है ना? आप बिल्कुल बेकार की बातें कर रही हैं, एक दिन आपको अब्बा की कदर होगी। रही सही जो कदर थी ना, खत्म हो गई है वो, झूठ नहीं बोल सकती मैं। मैं किससे अपना दुख बयान करूं, मैं किस अजाब से गुजर रही हूं, ना अब्बा अम्मा को बता सकती हूं ना ही आप ही को। को तो मौका मिल जाएगा और असर तो पता नहीं गुस्से में क्या कर डाले। कि अल्लाह मेरी मदद फरमा, जिस झूठे जाल से निकाल मेरी मदद कर। नहीं उठा रहा वो मेरा फोन और ना ही कभी उठाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मुझे क्या पता था कि आप भी आम सी लड़की हैं, मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट, जिनके अंदर ना ही कोई काबिल तारीफ बात होती है और ना ही उनका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट मैं कर रहा हूं आपकी या खुद आपने की है? ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे ऑफिस के माहौल की। आप क्यों बिला वजह? बिला वजह चेक दिस आउट, देखिए इसको। कल को ये पिक्चर्स हेड ऑफिस चली जाएंगी, परसों आपके घर, क्या मिस रह जाएगा आपका? क्या करूं मैं, किससे अपनी परेशानी का जिक्र करूं? बहन जो सबसे करीबी दोस्त हमराज होती है वो मेरी दुश्मन बनी हुई है। काश मेरे और आप ही के दरमियान सब कुछ नॉर्मल और आसान होता, मोहब्बत होती, एतबार होता, तो आज मैं जिस मुश्किल में हूँ आप ही के कंधे पर सर रखकर अपना सारा बोझ हल्का कर लेती। मगर आप ही, आप तो मुझसे ऐसे बदजन हो गई हैं जैसे मैं आपकी बहन नहीं दुश्मन हूँ। दर्द है ना जिस्म में, लगता है जैसे सो के नहीं उठी बल्कि मजदूरी करके उठी हूं। भाई तुम इतनी परफ्यूम लगा के, इतना ब्राइट सूट पहन के कहां जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हो या कहीं? और कहां जाऊंगा जान, तुमने तो कहा था कि ये बरगंडी कलर तुम्हें बहुत पसंद है इसलिए पहना है। मैं दर्द से मरी जा रही हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है कि तुम पूछो क्या क्या हाल है? तुम्हें इसकी परवाह है कि मुझे कौन सा रंग पसंद है? इस शहर के हर अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया तुमने। कितनी बार कहा है कि रेहान के पास अमेरिका चली जाओ, वहाँ जाके अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा तुम्हारा, मानती ही नहीं हो मेरी बात। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बीमारी क्यों पड़ रही है। अच्छा मैं रेहान के पास अमेरिका चली जाऊँ ताकि तुम मेरे पीछे अय्याशियाँ करो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी नीयत, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। इतना शक? इतने प्यार करने वाले शोहर पे कोई शक करता है क्या? बहुत दिल दुखाती हो तुम मेरा, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। ठीक है कहीं ना जाओ, मेरा कौन सा दिल लगता है तुम्हारे बगैर? अब अगर इजाजत दो तो ऑफिस चला जाऊं या मैं भी ना जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन 5 बजे से पहले आ जाना, लेट हुए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकबरी, अकबरी कहां मर गई हो? आफरीन, आफरीन जी अम्मा। अरे कहाँ हो बेटा, जल्दी करो, दफ्तर को देर हो रही है। हाँ बस मैं जाने लगी हूँ। अच्छा हाँ, अजहर उसकी बीवी के लिए नाश्ता ना बनाना, उनका चूल्हा लग गया है। जी जानती हूँ मैं, दुनिया में ऐसे भी भाई होते, सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह है। बहनों के होते हुए अपनी शादी रचा ली, अपना घर बसा लिया,
जरा ना सोचा कि बहनों के दिल पर क्या गुजरेगी। माँ, मेरे दिल पे कुछ नहीं गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और प्लीज मेरी शादी के लिए परेशान मत हो, मैं काम करती हूँ, मसरूफ रहती हूँ, कमाती हूँ, मुझे नहीं करनी अभी। आप बस आप ही की फिक्र करें। तुम शादी नहीं करनी चाहती तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारी शादी करना चाहते हैं ना। तो देखो, मैं और तुम्हारे अब्बा ये बोझ लेके इस दुनिया से नहीं जाना चाहते कि हम अपनी दोनों बच्चियों को बेयारो मददगार तन्हा इस दुनिया में छोड़ दें। अब शादी ना करने की बात ना करना मुझसे, समझी? अम्मा, ये कैसी बातें करती हैं आप? अच्छा, आप भी उठ गई? नहीं, सो रही है अभी, रहने दो उसको, उठती है तो हंगामा मचा देती है। सो रही हो तो सुकून रहता है। जाओ दफ्तर जाओ, जल्दी करो। आफरीन को कॉल करता, रुक जा। अगर तुमने उसे कॉल करके पिक करने की ऑफर दी तो वो समझ ना जाए कि ये सारा जाल मेरा अपना हुआ है। आफरीन, ऑफिस आ रही हैं? सर वो मेरी बस नहीं आई, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। तो आइए ना, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं, थैंक यू, अच्छा नहीं लगता। जब मंजिल एक है तो तकल्लुफ किस बात का, बैठिए। सर वो अच्छा नहीं लगता। और ये अच्छा लगेगा कि आप बस के इंतजार में यहाँ मारी मारी धक्के खाती रहें और मैं ऑफिस से लगाऊं आपको छोड़कर। बैठिए। बैठिए मुसाफिरीन। मैंने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट यूज करके आपकी जॉब को तो सिक्योर कर लिया है मुसाफिरीन, लेकिन आपकी तस्वीरों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था मुसाफिरीन। सर आप भी सबकी तरह, सर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर आप ऐसी वैसी होती और अगर मैं आपको दूसरों की तरह समझता तो आप इस वक्त मेरे साथ गाड़ी में तो ना बैठी होती ना। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में 98% लड़कियाँ जो हैं वो अपने घर से सिर्फ इसलिए निकलती हैं कि उनके हालात ऐसे होते हैं, वो मजबूरन जॉब करती हैं। अब मेरी वजह से किसी की जॉब चली जाती, ये तो मैं बिल्कुल गवारा नहीं करता।
थैंक यू सर, पहले तो मैं ये जॉब शौकिया कर रही थी, लेकिन अब वाकई मेरी मजबूरी है, मैं ही अपने माँ बाप का वाहिद सहारा हूँ। क्यों, तो आपका कोई भाई नहीं है क्या? जी सर, लेकिन जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। अब्बा तो बीमार और बूढ़े हो गए हैं और भाई खैर छोड़े हैं। नहीं नहीं, बोलिए ना, आप मुझसे अपने दिल की बात कह सकती हैं, मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि अगर दिल की बात किसी से कह दें तो बहुत हल्का हो जाता है। प्लीज कभी कभी लोग इतने बुरे नहीं होते जितना हम गुमान कर लेते हैं। तुम्हारी सोच में इतनी बड़ी तब्दीली, क्या बात है। हेलो लेडीज, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात? वो क्या? भाई मौसम बदल गया है, बाहर से पहले ही बाहर आ गई है, बर्फ पिघलने लगी है। क्यों मिस आफरीन? पता नहीं, आप शायद महकमा मौसमियात में काम करते हैं, हम नहीं। अब कौन क्या काम कर रहा है ये तो सब जानते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं क्या कहना चाहूँ। से क्या हो गया है? क्या? नहीं। हेलो, हाँ जमीला। वालेकुम सलाम, कैसी हो? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ ठीक है, ले आना कर। खुदा हाफिज़ सदीक़ी साहब।
صدیقی صاحب. ہاں. وہ جمیلہ کا فون آیا تھا. کیا؟ کس کا؟ لڑکے کو لے کر آ رہی ہے کل وہ ہمارے یہاں. اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ رشتہ ہو گیا تو میں تو 100 نفل شکرانے کے پڑھوں گا. لیکن وہ تمکین مان جائے گی؟ مانے گی کیوں نہیں، ہم ماں باپ ہیں اس کے، اس کے لیے برا تھوڑی جائیں گے. اتنی سمجھدار ہوتی نا تو بھلا ہی دن ہوتا. ارے اس سے بات تو کرو جا کے، تم پیار سے ذرا سمجھا دو، نرمی سے قائل کرو اس کو. میں سمجھاؤں؟ میں قائل کروں؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی، مجھے تو اس سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. دیکھو ان سے ماننا پڑے گا اس کو، اگر کل جمیلہ آ گئی اور رشتے والے کو لے کر تو کیا اس وقت تم اسے سمجھاؤ گی، بتاؤ گی؟ ارے ابھی سمجھا بجھا تو جاؤ، سمجھا کرو، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے. جاؤ، سادگی سے ہو جائے نکاح تو اچھا ہے سب کچھ. راجدہ مجھے تو بڑا سکون آیا سچی بات. جاؤ ابھی. ہاں ابھی، ابھی اسی میں، یہی تو وقت ہے. جاتی ہوں. ہاں اللہ. تمکین، تمکین بیٹا، تمکین، تمکین بیٹا. تمکین، یا اللہ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ صدیقی صاحب، صدیقی صاحب، صدیقی صاحب، صدیقی صاحب، صدیقی صاحب، کیا ہوا؟ ہم لوگ برباد. کیا ہوا؟ برباد ہو گئے ہم لوگ. کیا ہوا اس کو؟ وہ بھاگ گئی. خدا، وہ کہاں ہے؟ کیا سبزی چاہیے آپ کو؟ رشید بھائی تو گیا گاؤں. کیا مطلب؟ بس باجی کیا بتاؤں، وہ نا بڑا دکھی ہو گیا تھا، پورے دن پرانے گانے سن سن کے نا اس کا دل اداس ہو گیا تھا. پھر ابا کا فون آیا، وہ گاؤں چلا گیا. آپ کو سبزی چاہیے تو میں دیتا ہوں، یہ گوبھی، مولی، ہری مرچی. کب آئیں گے؟ کیا ٹینڈے؟ رشید، ان کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جانا کی تاریخ آفری آفری. میں کم ان سر؟ آئیے 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 آئیے، آفرین. مس آفرین، آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسٹر جنید جو پروجیکٹ ہینڈل کر رہے ہیں، اب وہ پروجیکٹ آپ دیکھیں. لیکن سر وہ تو کاشف صاحب. میں جانتا ہوں کاشف صاحب نے دیکھنا تھا، لیکن جس طرح میں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں اور جس طرح آپ چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں، کاشف تھوڑی کر سکتا ہے. تھینک یو سر، لیکن میرے اوپر ویسے ہی بہت ورک لوڈ ہے، اگر میرا کام صحیح نہیں ہوا تو. میں ہوں نا،
मैं आपको परेशान नहीं होने दूंगा, आपका हर लोड हल्का करूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी अब तो हम एक टीम है ना, यू नो चावेज आफरीन टीम। टेंस लग रही हैं आप। चलिए मैं आपको लंच पे लेके चलता हूँ। नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगा। क्या नहीं 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 नहीं, मैं इनकार सुनने का आदि नहीं। चलिए मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, आप अपना काम समेटिए। चलिए शावेज को कैसे मना करूं? अगर मना कर दिया तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। आज जो मेरी इज्जत बची है वो सर की वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। पर इसका ये मतलब ही नहीं कि मैं उनके साथ लंच करती फिरूं। आफरीन को फोन करे ना, उसे कह आए और पता करे कुछ। अरे उसके आने से क्या होगा, परेशानी होगी वो। मेरी तो समझ में नहीं आता, जिन्हें कुछ करना चाहिए था वो तो करते नहीं, ये उनके मसले नहीं है, वो समझते हैं कुछ नहीं। अरे मेरे अल्लाह, ये देखना था हमें कि मिल जाए मुझे तमकीन की बच्ची, जान से मार डालूंगी इसे। अल्लाह यहाँ कहाँ खड़े, जाए पता करे, ढूंढ के लाए उसको। कहाँ ढूंढ, अगर बात घर से बाहर निकल गई ना तो सिर्फ बदनामी ही बदनामी होगी। किसके पास जाऊं, क्या करूं, किससे पूछूं, कहां जाऊंगा, बदनाम बदनामी। का बात करूं, तुम्हें क्या बताऊं। जी मुसाफिर, चलिए। क्या कहा था मैंने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, आफरीन सर शावेज के साथ जा रही है। इश्क ना पूछे जात। इश्क? आफरीन और सर शावेज से इश्क? क्या हो गया आपको, वो तो ऑलरेडी मैरिड है। आफरीन ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अरे छोड़े मैरिड को, आजकल ये सब कौन देखता है। आप दौलत देखें, वो कितनी है सर शावेज के पास। और लगता है आपकी दोस्त ने भी सिर्फ दौलत ही देखी है सर शावेज में। Thank you.
तमकीन तमकीन किन कहाँ गई थी तुम? कहाँ थी तुम? शर्म पे है आप बदबख्त लड़की? कहाँ जा सकती हूँ मैं? आप लोगों ने कहीं जाने के काबिल छोड़ा है मुझे? अरे माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है तुम्हें? जब माँ बाप ने मेरी मोहब्बत का ख्याल नहीं किया तो मुझे भी किसी चीज का कोई ख्याल नहीं है माँ। मेरी आंखों के सामने से चली जाए, भाग गई इस पल मेरा हाथ ना उठ जाए। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।